तो भाई लोग, जीजो जोन्स बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग थी, बट सेकंड प्लेस इनका यहाँ पे आया। फर्स्ट प्लेस से थोड़ा सा दूर रह गए इस बार, बट कंडीशनिंग बहुत टॉप नॉच थी। मुझे तो इनकी फर्स्ट प्लेसिंग लग रही थी, बट आप लोग क्या बोलेंगे इस बारे में कि उनकी कंडीशनिंग क्या सी थी और क्या उन्हें प्लेसिंग देनी चाहिए थी। वैसे सेकंड प्लेस तो डिज़र्व करते ही थे, बट जहाँ तक मुझे लगता है जिस हिसाब से वो लीन और हार्ड थे, जिस हिसाब से उनका एस्थेटिक लुक लग रहा था, उस हिसाब से उन्हें फर्स्ट प्लेसिंग डिज़र्व करते थे। बट जो फर्स्ट प्लेसिंग वाले बंदा है उसका नाम मुझे नहीं पता, बट काफ़ी फुलर लग रहा है, फ्रेम भी अच्छा है, बट जीजो जोन्स काफ़ी लीन हार्डर काफ़ी लग रहे हैं। इतने दिन से उनके व्लॉग देख रहा हूँ, एकदम से फिजिक में चेंजेस जो आज आए हैं उनके फिजिक में चेंजेस, वो काफ़ी काबिले तारीफ है। तो यहाँ पे उनके पोज दर पोज हम कंपैरिजन करेंगे। जो फ्रंट रिलैक्स पोज है काफ़ी हार्ड लग रहे हैं, ऑब्लिक्स काफ़ी हार्ड हैं, चेस्ट और डेल्ट उनके काफ़ी राउंड और फुलर लग रहे हैं। और उनके बगल में जो उनके लेफ्ट या राइट में जो खड़ा है, उन दोनों के ऑब्लिक्स काफ़ी अच्छे हैं, बट जीजो जोन्स के ऑब्लिक्स काफ़ी उभर के बाहर आ रहे हैं। उन दोनों के हार्ड हैं, लीन हैं, बट उतना डिफाइन नहीं लग रहे हैं। और ये आप बैक पोज से देख सकते हो कि कितने वाइडर और कितना हार्ड लग रहे हैं। रियल डेल्ट काफ़ी ज़्यादा मैसिव है, लोअर बैक क्रिसमस ट्री बहुत हार्ड आ रहे हैं, और ओवरऑल बैक में थिकनेस बहुत अच्छी है। जो फर्स्ट प्लेसिंग वाला बंदा है उसके बैक वाइड है, बट उतनी डेप्थ नहीं है बैक में जिस हिसाब से जीजो जोन्स के। और ये साइड पोज से अगेन आप देख सकते हो चेस्ट एंड डेल्ट और ऑब्लिक्स बहुत हार्ड, टाइट एंड फुलर लग रहे हैं, और पोजिंग काफ़ी अच्छी कर रहे हैं। बाकियों से पोजिंग उनकी काफ़ी डिफरेंट है और बहुत अच्छी है। चेहरे पे स्माइल हर टाइम बना के रखा हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने इंडिया का नाम किया अमेचर ओलंपिया में, और फर्स्ट उनका बाहर इंडिया से, और वो काफ़ी अच्छा शो रहा है उनके लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट आई जस्ट शो यू हु आई रियली एम। आज के वीडियो में ना मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत स्पेशल। क्या है ना, मुझे पता है कई लोग वेजिटेरियन होंगे, तो भाई फिर स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करता, बट मुझे इसकी शक्ल देख के लगता है कि इसने कभी सिगरेट पिया ही नहीं है। जिस हिसाब से पी रहा है और जिस हिसाब से ज्ञान दे रहा है, कभी इसे राजमा में प्रोटीन लगता है, कभी इसे किसी चीज़ में प्रोटीन लगता है, और कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है। कौन बंदा इसको फॉलो करता है, कौन इसके सब्सक्राइबर है, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने ना तो इसे फॉलो किया ना इसे सब्सक्राइब किया है, बट इतने दिनों से इसकी वीडियोस देख रहा हूँ, तो मैंने सोचा आज इस पर एक वीडियो बना ही दूँ। बट एक तरफ जीजो जोन से जो बंदा बाहर जाके नाम कर रहा है, काफ़ी कुछ ये सब चीज़ें कर रहा है, दूसरा ये बंदा है जो इतना बड़ा यूट्यूबर बन के इस तरीके की हरकतें कर रहा है। कौन इसे देखता है, कौन इसे फॉलो करता है, मुझे समझ में नहीं आती बात। बट ये जिस तरीके की हरकतें कर, ये डिज़र्व नहीं करता है कि ये इन्फ्लुएंसर है या लोगों को गुमराह कर।